अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ्रॉक की कटिंग और डिजाइनिंग की सेटिंग का तरीका बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज जो हमने फ्रॉक बनाना है वो हमने कंट्रास्ट बनाना है और लीलन के कपड़े पर बनाना है, ठीक है। आप इस फ्रॉक को किसी भी साल के बच्चे का बना सकती हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं वो ए लाइन फ्रॉक है हमारा। और ये देखिए, मैंने ये मैं तकरीबन 9 साल की बच्ची का फ़िराक बना रही हूँ, लेकिन आप जितने साल की बच्ची का चाहें बना सकती हैं। बस आपको मेजरमेंट का तरीका आना चाहिए। तो देखिए, मैंने कपड़े की चौड़ाई को 25 इंच रखा है, ठीक है। ये मेरी कपड़े की चौड़ाई है और ये मेरे बैग का पीस है। सबसे पहले हमने इसकी बैग को ही कटिंग करना है। और लेंथ मैंने इसकी 29 इंच रखी है, ठीक है। 25 इंच हमने इस फ्रॉक को तैयार करना है, लेकिन ये मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि ये लीलन का कपड़ा है, इसमें रेव वगैरह भी हो जाती है, तो हम कटिंग के दौरान इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो 25 इंच हमने तैयार रखना है। तो ये मेरी बैक का पीस है। अब मैं आपको अपनी फ्रंट का पीस दिखाती हूँ। इनको मैंने पहले ही उतार लिया ताकि वक्त की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो ये मेरी फ्रंट का पीस है। तो देखिए, मैंने ये फ्रंट का पीस एक साइड का उतारा है, ठीक है। अब आप इसको इसके ऊपर रख के चेक करें, ये बिल्कुल पूरा है, लेकिन ये एक साइड है। अब इसको मैंने 2 पीस मैंने इसके कटिंग किए हैं, जैसे बैक का पीस कटिंग किया है पूरा। चलिए मैं आपको खोल के समझा देती हूँ। अब ये देखें, ये बैक का पीस है, ठीक है, और ये फ्रंट का पीस है, लेकिन ये आधा है। तो अब आप सोच रही होंगी कि आधा किधर है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, तो मेरा जो ये आधा पीस है ये मैंने इस तरफ लगाना है। अब आप ये देखें, ये मेरा हाफ पीस है। अब ये जो हमारा हिस्सा बचा है ना, ये देखें, ये मैं आपको पेमाइश करके दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन 8.5 इंच का यहाँ से पीस कट कर दिया है, ठीक है। पहले आपने फ्रंट और बैक दोनों पीसीस को एक जैसा उतार लेना है, फिर आपने फ्रंट पीस के 2 पीस सेंटर से बना लेने हैं। सेंटर से बनाने के बाद फिर आप चाहे दाएं साइड ले लें चाहे बाएं साइड ले लें, किसी भी साइड से आपने एक पीस को, जो आपने 2 पीस कटिंग किया उनमें से आपने एक पीस को उठा के साइड पे कर देना है और दूसरे पीस में से आपने 8.5 इंच का एक पीस और निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने वाइट कलर में, या आप नेट का पीस सेट कर लें, या आप शिफॉन का कर लें, या आपके पास कोई भी इसी वाइट कलर में ही, जैसे आपने कंट्रास्ट लगाना है, आपके पास कोई भी थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़ा है या डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है जो यहाँ पर आपको परफेक्ट लगे, तो आप उसे यहाँ पर सेट कर सकती हैं। तो देखें, मेरे पास ये शिफॉन का पीस है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा डिज़ाइनिंग वाला पीस है। तो मैं इस वाले पीस को इसके साथ ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। तो अब ये जो पीस हमने कट किया हुआ, इस पीस पर हमने अपने डिज़ाइन को बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बैग के पीस को कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हमने अपने बैग के पीस को कटिंग करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बैग को ऐसे फोल्ड कर देना है। मेजरमेंट आपने अपनी रखनी है, सिर्फ आपने डिज़ाइनिंग को, और उसके बाद जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सिर्फ आपने उसको देखना है कि मैंने किस तरीके से ये मेजरमेंट इसका किया है, ठीक है। तो चौड़ाई मैंने इसकी लेनी है तकरीबन 5.5 पे, 11 इंच है हमारी चौड़ाई, तो उसका हाफ 5.5 बनता है, और यहाँ से मैंने इसको 5.5 इंच ही रखा है, ठीक है। उसके बाद सीने के पास से हमने इसकी फिटिंग 14 इंच रखी है, जिसका हाफ 7 बनता है। और ये फ्रॉक जो हम बना रहे हैं कि ए लाइन शेप में बना रहे हैं, ठीक है। तो सीने चेस्ट के पास से मैं इसको 12 इंच ले रही हूँ। 1 से 2 इंच कपड़ा फिटिंग में एक्स्ट्रा रख लिया करें, क्योंकि थोड़ा सा फिटिंग में कपड़ा होना चाहिए, कभी हमें फिटिंग खोलनी भी लग जाए तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती। तो मैं यहाँ से 8.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे पास वाइट कपड़ा है, इसलिए आज मैं चॉक यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए आज मैं ये पॉइंटर से निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, ये मेरी शेप है ये लाइन की।
और यहाँ से मैंने 2 इंच इसको रखा है क्योंकि इसकी गुलाई नीचे से बनानी होती है। तो हमेशा गुलाई आप जिस साल की बच्ची का भी बनाएं उसकी गुलाई हमेशा 2 इंच पर ही बनती है। तो यहाँ से मैंने इसको देखें कटिंग कर दिया है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखें ये कितनी कितनी रेब निकली है इसकी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो परेशानी नहीं होती, इसलिए आपको बोलती हूँ 1 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया करें, कोई मसला नहीं होता इतना भी। अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर रहे हैं। मैं निशान से हमेशा थोड़ा सा हटके ही कपड़े को कटिंग करती हूँ ताकि मज़ीद अंदर थोड़ा कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि लिलन है तो इसे हम सर्दी में यूज़ करते हैं, फिर नीचे हाईनेक वगैरह भी बच्चे डालते हैं, तो इसलिए अगर हमें खुले करने पड़े तो फिर हमें परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब ये मेरी बैग का पीस कटिंग हो चुका है। जो हमने जिस पीस से हमने 8.5 इंच का पीस कटिंग किया था फ्रंट पीस से, अब वो ये मेरे पास पीस है, अब ये छोटा पीस है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पीस को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने ऐसे सेंटर में चौक से निशान लगा लेना है जो हमारा हाफ पीस है। अब ये निशान हमारा लग चुका है। ठीक है, तो ये सेंटर का निशान है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे इसको पेमाइश करना है। ये तकरीबन 20 इंच है तो 6 पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। ये देखें, अब आप ऐसे 6 इंच पर मैंने एक ये निशान लगाया है और उसके बाद फिर एक निशान मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखें, एक निशान सेंटर में मैंने लगाया है और फिर मैंने 2 निशान 6 इंच पर लगाए हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, अब ये मेरे पास टफ चेपी है, अब आपने 1 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। ठीक है, ये 1 इंच की पट्टी है मेरे पास, इतनी लंबी पट्टी आपने कटिंग करनी है जितनी ये लंबी पट्टी है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको लगाने में मुश्किल ना हो। ये मेरे पास पीस है लेकिन पीस आपने यूज़ नहीं करने। ये देखें, अब आप फर्जी आपको समझा रही हूँ। ये देखें, अब ये एक लंबी पट्टी है। ठीक है, एक पट्टी आपने ऐसे लगानी है और उसके बाद फिर आपने इसे पूरा करना है। पहले इस वाली पट्टी को चिपकाना है इस तरह से, फिर आपने इसको चिपका लेना है ऐसे करके। तो ये पट्टियाँ आपने चिपकानी है क्योंकि इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है सीधी साइड पे। ठीक है, तो सफाई फिर हमारी बनती है। तो ये देखें, ऐसे आपने एक लाइन सीधी फिर 2 लाइन ऐसी, इसको आपने ऐसे चिपकाना है। तो चलिए पहले चिपकाते हैं। मैंने ये धागे से लाइन बनाई है और जो पीस हमने कट किया था उस हिस्से पर हमने ये वाइट कलर का मैंने शफून का पीस जोड़ दिया और सेंटर का जो पीस था हमारा इस साइड वाला उसे भी मैंने जोड़ लिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने अब बैक के पीस को फ्रंट के पीस के ऊपर रख दिया। तो जैसे हमने बैक का पीस कटिंग किया था, अब उसको ऐसे आपने इसके साथ साथ ऐसे इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, तो ये नीचे से गुलाई बन चुकी है और अब हम साइड वाला निकाल देते हैं। तो ये देखें, अब कटिंग हमारी कंप्लीट है।
अब ये जो हमारा इस साइड वाला पीस है इसे आपने क्या करना है, अब आपने ये मैंने डोरी ली है सिल्वर कलर में, क्योंकि मेरी बैग का पीस वाइट कलर में है, ठीक है। तो आप या वाइट लेस ले लें। मैंने ये बारीक सी डोरी ली है, इस डोरी को एक पीस आपने सेंटर में लगाना है और एक पीस आपने इसको सेंटर के साथ एक इंच के फासले पर लगाना है और एक पीस ऐसे, तीन आपने इसकी पट्टियाँ बनानी है, फिर इसका गला कटिंग करना है। देखिए अब सिलाई हमारी हो चुकी है तो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया ये सिर्फ हमारा फ्रंट पीस पर ही है और इसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो अब ये जो हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं इन पर आपने ये वाइट कलर में मेरे पास मोती है, मोती लगाने हैं, तो मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने ये जो छोटे डिब्बे बनाए हैं इनको ऐसे एक मोती को उठाना है और आपने ऐसे नीचे की तरफ सुई निकालनी है। धागा आपने थोड़ा सा डबल लेना है ताकि मोती आपके टूटे ना, और इस तरह आपने चार मोती एक साइड पर, चार मोती आपने सेंटर में लगाने हैं और चार मोती आपने साइड पे लगाने हैं। कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई मसला हो तो आप हमें पूछ सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।